नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूबलेस टायर है, बहुत बड़ा होल हो गया था दोस्तों, तो अंदर से दो किट डाला हुआ था, तो मैंने इसे अंदर खोल कर इसमें हम ओमनी साटने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और किस तरह हम साटते हैं, फाइनली ये मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ और देखते रहिएगा किस तरह हम इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह भी आप लोग पंचर बनवाएं, कितना बड़ा होल है, 1 इंची कट है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। अब हम जो ओमनी है, एक नंबर डालने वाले हैं, उसको हम साइज नाप लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से घिसना है, उसे वैसे अलग घिसना है, ताकि अब हम ये 1 मिनट सिलेशन को लगाने के बाद छोड़ देना है, ठीक है। 1 मिनट सूख जाने के बाद ही इसमें हम एक नंबर ओमनी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसमें अच्छे से साटेंगे ओमनी और देख लेना, हल्का भी गैप में होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे साटना है और दबा कर ही साटना है, ताकि हल्का गैप पूरा जो एयर है निकल जाए बाहर, और इस तरह से आपको एकदम पूरा एयर निकाल लेना है। अगर एयर रह जाएंगे तो आपका जो पंचर बना है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप किसी भी टायर लेवल के माध्यम से कोई भी चीज़ से इसको अच्छे से ठोक दीजिए, अच्छा होगा वो, ताकि सड़ जाए, जो एयर है वो बाहर निकल जाए। इस तरह से आप पंचर बनाइए, ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अब हम पन्नी उखाड़ देंगे इसमें से। अब हम टायर फिट करेंगे, ठीक है। टायर फिट करने से पहले हमको रिम को अच्छे तरह के कपड़े से झाड़ लेना है, ठीक है, तभी टायर लगाएं, क्योंकि ट्यूबलेस अगर हल्का भी कंकर अंदर चले जाएंगे तो आपका हवा निकलने लगेंगे, तो इस तरह से आप टायर लगाएं। टायर को हम रिम चेक कर लेना है हवा देने के बाद, और उसके बाद रिम में देख लेना सिर्फ पानी से कि कहीं से लीक तो नहीं है। लीक चेक करने के बाद हमने जो पंचर जहाँ बनाया वहाँ पे, चूँकि इसमें पत्थर घुसा हुआ था, तो हमने वहाँ पे फेविक्विक और मिट्टी हम डाल दिए, ठीक है, ताकि जो होल उसमें कुछ माने गिट्टी ना मार सके, ठीक है। इसीलिए हम उसमें फेविक्विक और वो डाल दिए, और वहाँ पर हम चेक कर लिए अच्छे से, वहाँ पर फाइनली कहीं कुछ नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। जो हम पंचर बनाए थे वो फाइनली सक्सेसफुल रहा। इस तरह से लंबा कट था, गिट्टी मारा हुआ था, इस तरह से आप जरूर पंचर बनाएं, जरूर सक्सेसफुल होगा। इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है तो इस तरह पंचर बनवाइए। हम हमेशा नए टेक्निक के साथ हम पंचर बनाते हैं, तो
मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस।